वेलकम इन डिप्लोमा ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट। आज आपका सेकंड लेक्चर है बाइनोमियल थ्योरम का। और आप देखो, बाइनोमियल थ्योरम में कल मैंने होमवर्क दिया था जो कि था क्या कि क्वेश्चन में ये 49 का होल स्क्वायर निकाला था, ठीक है, 49 का होल स्क्वायर ये या 49 का होल क्यूब। क्या था? 49 का होल क्यूब। आप देखो 49 का होल क्यूब डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो, ठीक है, 49 into 49 into 49, लेकिन आपको बाइनोमियल थ्योरम का के हेल्प से इसे निकालना है। तो कैसे आप करोगे? यहां पर देखो 49 50 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 50 माइनस 1 पर पावर 3। अब जो है यहां पर NC3 यानी कि C जो होगा यहां पर C और 3 0, ये पहला टर्म आ जाएगा, इसी तरह फार्मूला बताए थे। और यहां पर x के जगह पर 50 है तो 50 पर पावर 3 एंड 1 को यहां पर नहीं लिखा जाएगा, और माइनस है तो ये प्लस माइनस होता चला जाएगा, जो कि ऑड नंबर है तो माइनस होगा, क्योंकि यहां पर देखिए 0 है, अगला वाला 1 आएगा तो ऑड होगा। तो 3C1 50 पर पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 माइनस 1 2 यहां पर आ जाएगा, और इंटू वन ये हो जाएगा प्लस 3C2। यहां पर जो है 50 केवल होगा क्योंकि 3 माइनस 2 1 पावर आ जाएगा यहां पर, और 1 पर पावर ये 2 हो जाएगा, यही मूव करता है। फिर यहां पर माइनस आ जाएगा, आपका प्लस माइनस चल रहा है, प्लस माइनस प्लस, एंड चूंकि 3 है C3 3C3 और 50 पर पावर 0 तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, और 1 पर पावर 3, यही इसका एक्सपेंशन होगा बाय बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, एक्सपेंशन मतलब प्रसार। तो अब जो है 3C0 की वैल्यू 1 होगी, 50 पावर 3 यह क्या होगा 125 का होल क्यूब हो जाता है, एंड 3 0 है यानी कि 3 0 आप यूज करेंगे, लगाएंगे, क्यों? क्योंकि पावर 3 है, ठीक है। और माइनस 3C1 यहाँ की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3C1 की वैल्यू क्या होगी 3 होगी, और 50 पर पावर 2 यानी कि 25 और 00 हो जाएगा इंटू 1, और 3C2 इसकी भी वैल्यू 1 होगी, 3 होगी। तो कारण है कि यह वही वैल्यू होगा जो 3C1 की होगी, ठीक है, यही वैल्यू यहां पर आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों को घटाएंगे आप 3 माइनस 2 तो 1 आएगा, और यही वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो ये वैल्यू है 3 और यह 50 है, इंटू 1 का होल स्क्वायर 1 होगा, 3C3 की वैल्यू 1 इंटू 1, क्लियर। अब जो है आप इसे क्या करेंगे, 125 000 माइनस यह 75 00 प्लस 150 माइनस 1, ठीक है, माइनस को एक साथ आप ऐड करें और प्लस वाले को एक साथ ऐड करेंगे, तो 125 000 प्लस ये 125 150 है, आप डायरेक्ट इसमें ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा 150 यहां पर आ जाएगा। आप ऐड करके देखें 0 0 हो जाएगा, 5 प्लस 0 5 होगा, 1 प्लस 0 1 होगा, 125 आ जाएगा साथ में, और माइनस 750 और ये 1 यानी कि 7501। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर ले आप, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 माइनस 1 यानी कि यहां से 12 ले लें 10 होगा, 10 माइनस 1 9, यहां 4 हो जाएगा 49, और 5 माइनस 5 देखिए 1 माइनस 5 तो 1 तो होगा, एक 12 ले लीजिए, ठीक है, ये हो जाएगा 11 11 माइनस 5 क्योंकि थर्ड प्लेस पर 1 है तो 11 माइनस 5 6 हो जाएगा, और यहाँ 4 रहेगा, और यहाँ से एक 12 लेंगे आप यानी कि एक उधार लेंगे तो ये हो जाएगा 14, और 14 माइनस 7 यहाँ 7 हो जाएगा, ठीक है,
फोर प्लेस ये हो गया और फिर वहां पर बच गया वन और वन, तो 117649 इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से आपने बाइनोमियल एक्सप्रेशन से यह क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन जिसमें पद निकालना है। जनरल टर्म का फार्मूला कल हमने बताया था, उसी अनुसार यह फार्मूला आपका सॉल्व होगा और आप जो है इसे निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो क्वेश्चन लेते हैं और जनरल टर्म का फार्मूला एक बार और हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं इसमें। ठीक है, व्यापक पद और या जनरल टर्म। ठीक, पहले क्वेश्चन देखिए इसमें क्या क्वेश्चन कहा है, उस अनुसार इसके जो है फार्मूला एक्सप्लेन किए जाएंगे। तो यहां पर है क्वेश्चन टू, आज का क्वेश्चन है ये, और यहां है 3x प्लस y बाई टू पर पावर 9 का छठा पद ज्ञात कीजिए। 3x प्लस y बाई टू पावर 9 का छठा पद ज्ञात करें। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। ठीक, छठा पद मतलब सिक्स्थ टर्म। ठीक, फाइंड द सिक्स टर्म्स ऑफ 3x प्लस y by 2 पर पावर 9। इसका छठवां पद आप कैसे ज्ञात करेंगे इसको, चलिए लिखते हैं या देखते हैं। पहली बात तो हम इसमें बता दें व्यापक पद या जनरल टर्म इसका tr जो होता है tr प्लस 1 यह ncr। ठीक है, ncr x पर पावर n माइनस r एंड a पर पावर r ये होता है। और ये किस पावर का जनरल टर्म है, जो जनरली हमने बताया था x प्लस a पर पावर n का ये फार्मूला होता है, ये व्यापक पद होता है इसका। ठीक है, x प्लस a पर पावर n का व्यापक पद यानी tr प्लस 1 nr ncr और x पर पावर n माइनस r और a पर पावर r। अगर हमें rवां यानी कि r प्लस 1th टर्म निकालना हो तो चलिए इस जो है फार्मूले का उपयोग करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां ले लेते हैं 3x प्लस y बाई 2 पर पावर 9, इसका छठा पद निकालना है। तो छठा पद यानी सिक्स टर्म्स, तो t6 हुआ जो कि फार्मूले के अनुसार r प्लस 1 के रूप में लेना है। ध्यान दीजिएगा छठा पद मतलब t6। ठीक है, और t6 हुआ तो फार्मूले के अनुसार क्या हो जाएगा t5 प्लस 1। ठीक, और t5 प्लस 1 मतलब r अब जो है 5 है, यहाँ r प्लस 1 फार्मूला होता है, r 5 है और n क्या है 9 है। तो आप देखें 9cr, r का मतलब 5। ठीक, और यहां पर x की जगह पर क्या दिया हुआ 3x, पहले टर्म की जगह पर 3x दिया हुआ, तो 3x पर पावर 9 माइनस 5 यही होगा, x माइनस n माइनस r मतलब 9 माइनस 5। और y by 2 के यह एक जगह पर है, y by 2 जो फार्मूला था x प्लस a पर पावर n उसका विस्तार दिया गया था ना, तो y by 2 पर पावर क्या हो जाएगा 5, y by 2 पर पावर 5। ठीक है, क्योंकि यहाँ 5 है वही 5 यहाँ पर आएगा। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, तो 9cr की वैल्यू क्या होगी, फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 9 माइनस 5 और 3x पर पावर 4 हो जाएगा। 3x पर पावर 9 माइनस 5 क्या होगा 4, और y पर पावर क्या है 5 अपॉन 2 पर पावर भी 5 होगा। क्लियर, अब देखिए फैक्टोरियल 9, अब 5 तक आप जो है फैक्टोरियल 9 को बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6
यहां कंटिन्यूस आप बाहर निकाल सकते हैं, ये फैक्टोरियल 5 बच जाएगा और नीचे फैक्टोरियल 5 है और इनटू 9 माइनस 5 यानी कि फैक्टोरियल 4 है और ये 3 पर पावर 4 हो जाएगा x पर पावर 4। आप जानते हो ये दोनों a और b पावर n होता है तो a पर पावर n और b पर पावर n हो जाता है और यहां पर y पर पावर 5 है और 2 पर पावर 5 का मतलब हो गया 32। भाई 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 2 2 4 2 8 2 16 2 32 ठीक है ये हो जाएगा। तो आप देखें यहां फैक्टोरियल 5 और इस फैक्टोरियल 5 से कट गया। अब यहां पर क्या होगा 9 × 8 × 7 × 6। देखिए हमने मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि फैक्टोरियल 4 नीचे है, कुछ ना कुछ कटेगा जिससे कि मल्टीप्लिकेशन कम करना पड़ेगा और यहां पर ये क्या हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1। फैक्टोरियल 4 का वैल्यू होगा 3 पर पावर 4 क्या हो जाएगा 81 ठीक है 3 × 3 = 9 9 × 3 = 27 3 × 81 ये 81 होगा। x पर पावर 4 हो गया y पर पावर 5 अपॉन 32 ठीक। अब जरा ध्यान दें आप कि 4 से 8 को आप कैंसिल करेंगे 4 × 1 = 4 × 2 = 8 और 2 से फिर 2 को कैंसिल करेंगे 1 हो जाएगा और 3 से आपको 6 को कैंसिल कर देंगे यहां पर 2 हो जाएगा, 2 से आप 32 को कैंसिल कर देंगे या 16 हो जाएगा, नीचे केवल 16 बचा 9 × 7 = 63 और × 81 ये हो जाएगा क्या 9 × 7 = 63 × 81 अपॉन 16 ये हो जाएगा अपॉन 16 और यहां x पर पावर 4 y पर पावर 5 ठीक है। अब 63 × 63 ठीक है आप देख रहे हैं 63 × 63 6 कैरी ऑन होगा और यहां 63 8 जा तो 8 × 3 = 24 और 8 × 6 = 48 24 और 48 यानी कि 50 504 504 और प्लस जो है 6 504 प्लस 6 510 510 ये हो जाएगा अपॉन 16 और x पर पावर 4 y पर पावर 5 ये जो है इसका छठा टर्म हो जाएगा यानी कि छठवां टर्म आपने इसका निकाल दिया ठीक। तो इस तरह से आप देख लें क्वेश्चन ये सॉल्व होगा और आप इस तरह छठवां टर्म आप प्राप्त कर लेंगे यानी कि 5103 अपॉन 16 x पर पावर 4 y पर पावर 5 ठीक है। चलिए अब एक और क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि मध्य पद होगा विस्तार का मध्य पद। तो मध्य पद कैसे निकालेंगे विस्तार का इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हर एक तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लें क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस जो है वह आपके सिलेबस से बिलोंग करते हैं ठीक है और आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे ना वो बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन पर आपको ध्यान देना पड़ेगा और ध्यान ये भी देना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और सबसे विशेष बात आपके लिए जो है एपी जीपी और डिटरमिनेंट मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो समांतर श्रेणी कहलाता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो गुणोत्तर श्रेणी कहलाता है और डिटरमिनेंट जो कि सारणिक है उनके सभी वीडियो लेक्चर जो है आपके प्लेलिस्ट में हैं, इस प्लेलिस्ट में हैं और वहां से आप कंटिन्यूअस देखें और यहां पर जो है आपको बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाया जा रहा है तो उसे भी आप समझें और अच्छे से जो है इसको सॉल्व कर सकें ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन आज का क्वेश्चन थर्ड ले रहे हैं और यह है कि विस्तार में मध्य पद ज्ञात करना है। तो आप जो है एक्स अपॉन यानी कि एक्स अपॉन ए प्लस ए अपॉन एक्स एक्स अपॉन ए
प्लस ए अपॉन एक्स पावर टेन का, सॉरी नॉट इलेवन, टेन का मध्य पद ज्ञात करें। जैसे ये लिखा हुआ ना छठवां पद ज्ञात कीजिए, सातवां पद ज्ञात कीजिए, तो वही क्वेश्चन है ये, मध्य पद ज्ञात करना है। तो अगर हम देखें कि यहाँ पर सॉल्यूशन में जो है सबसे पहली बात यह है कि पावर देखिए कितना है, टेन है, तो पावर टेन है तो यानी कि आपको इलेवन और टर्म मिलेंगे। आपको बाइनोमियल पढ़ाते समय बताया गया होगा जितने पावर हैं उससे एक अधिक पद आते हैं, ठीक है। तो अगर इवन पावर है तो जाहिर सी बात है कि 11 यानी कि ऑड पद होंगी, संख्याएं जो है पदों की संख्या वो ऑड होगी, और ऑड में आप जानते हैं मध्य पद एक ही होता है। और अगर इसमें पावर इवन हो व ऑड हो, जैसे 11 होता है पावर, तो उसमें पदों की संख्या क्या होती, 12 होती, जो कि एक इवन टर्म है या इवन नंबर है, उसका मध्य पद क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, ठीक है। तो मध्य पद आप ध्यान रखें कि जब भी मध्य पद ऑड होता है यानी कि पदों की संख्या ऑड होती है, ठीक है, तो मध्य पद एक ही आता है, ठीक। जब पदों की संख्या क्या है, इवन होती है, तो मध्य पद दो आते हैं। मान लीजिए सपोज दैट कि यहां पर कितने पद बन जाएंगे, 11, पदों की संख्या क्या होगी इसमें, पदों की संख्या 11 होगी, ठीक। तो मध्य पद क्या होगा, मध्य पद यह 11 प्लस 1 बाई 2 यानी कि 12 बाई 2 6 हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन अगर यही पदों की संख्या, सपोज कीजिए कि पदों की संख्या अगर 12 होती, 11 हमने लिया है, अगर पदों की संख्या 12 होती तो मध्य पद क्या होते, इसके मध्य पद, तो यहां पर एक मध्य पद नहीं आते बल्कि दो मध्य पद आता। कौन कौन से, एक तो 12 बाई 2 यानी 6 वाला आता, और कौन आता, 12 बाई 2 प्लस 1 यानी कि 12 बाई 2 प्लस 1 यानी कि यह 6 प्लस 1 आता 7। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर पदों की संख्या ऑड है यानी कि विषम संख्या है तो हमें एक ही मध्य पद ज्ञात होगा, और पदों की संख्या इवन है यानी कि सम है तो हमें दो मध्य पद, एक छठा पद आया एक सातवां पद, दोनों ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इस क्वेश्चन में आप तो ये देखेंगे कि मध्य पद क्या होगा, तो इसके पावर 10 है यानी कि इनमें पदों की संख्या 11 होगी जो कि एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है, इसलिए इसके एक ही मध्य पद होंगे जो 6 है, ठीक है। तो चलिए हम निकालते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा यह चीज। तो यहां पर हम देखें x प्लस ए प्लस ए अपॉन एक्स, एक्स अपॉन ए प्लस ए अपॉन एक्स को पावर 10 लिखेंगे, सिंस पदों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स ये क्या होगा, 10 प्लस 1 यानी कि 11, यानी कि एक पद और एक्स्ट्रा आ जाता है, यानी कि जीरो वाला पद एक्स्ट्रा हो जाता है ना, तो 11 हो गया, ठीक। अब मध्य पद होंगे यानी कि 11 जो आया है नंबर प्लस 1 बाई 2 यानी कि 12 बाई 2 छठा पद, ठीक है, छठा या छठवां पद, ये मध्य पद कौन सा हो जाएगा, छठवां पद, ठीक। अब इसका छठवां पद निकाल लेंगे आप, देयरफॉर मध्य पद आप जानते हैं छठवां पद निकालना,
मध्य पद इसका क्या है, छठवा पद है, T6 होगा। ठीक है, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन किए हैं सेम उसी तरह से ये हो जाएगा। T6 है तो T6 का मतलब है T5+1, यानी कि R+1 के रूप में लेना होगा आपको। और यहाँ पर जो संख्या है x अपॉन a x के जगह है और a अपॉन x a के जगह है और n जो है वो 10 है, तो 10C5 हो गया। 10CR मतलब 10C5, क्लियर, 10C5 हो गया। और इसके साथ यहां पर जो वैल्यू है x अपॉन a पर पावर 10-5 और a अपॉन x पर पावर 5, ठीक, यहां पर दोनों वैल्यू लिख लिया गया। ये तो x की जगह है और ये a की जगह है, हमने लिख लिया इसे। अब जो है 10c5 को क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 10-5 और x अपॉन a पर पावर 5 होगा और a अपॉन x पर पावर 5, क्लियर। अब देखिए 10 यहां से आप बाहर ले लेंगे, फैक्टोरियल 5 तक लेकर जाएंगे इसे, 10 × 9 × 8 × 7 × 6 और फैक्टोरियल 5 अपॉन यहां पर होगा फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 10-5 ये भी फैक्टोरियल 5 होगा और यहां x पर पावर 5 अपॉन a पर पावर 5 ये हो जाएगा इनटू a पर पावर 5 अपॉन x पर पावर 5, x पर पावर 5 से x पर पावर 5 काट दें, a पर पावर 5 से a पर पावर 5 आप कैंसिल कर दें यानी कि काट दें, ठीक, तो ये कट जाएगा। बचेगा क्या, फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 को कैंसिल कर दें, नीचे फैक्टोरियल जो है 5 बचेगा जिसका एक्सपेंशन आप कर दें, तो ये 10 × 8 × 9 10 × 9 × 8 9 × 8 × 7 × 6 ये है अपॉन यहां पर हो जाएगा 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 2 × 1, ठीक है, ये होगा और ये पूरी तरह से कैंसिल हो गया। ठीक, तो अब देखिए 5 से ये जो है 10 कट गया, ये हो गया 2, 4 से 8 कट गया, ये हो गया 2 और 3 से 6 कट गया, ये भी हो गया 2, ठीक। अब जो है 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे, नीचे कुछ और नहीं बचा, 1 है नीचे, नथिंग मैटर, आप 1 लिखेंगे और 2 × 2 = 4 × 9 × 7 यही बचा, तो क्या हो जाएगा 4×9=36 और 6×7=42, ठीक है, और 3×7=21 और क्या हो जाएगा 4×21=425, ये आंसर हो जाएगा मिड टर्म में जो मध्य पद जो है 252 आ जाएगा इसका। तो देखिए इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं मध्य पद। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा भाई, यह क्वेश्चन जो है विस्तार में ये अचर पद बताना है या गुणांक बताना है, तो इस तरह से यानी कि आप कर सकते हो जो अगला क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं कि उसका x से मुक्त पद बताएं, मुक्त पद हुआ या अचर पद हुआ या किसी पद का गुणांक हुआ, वह सब इसी तरह से आप करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आप कंटिन्यूअस इस वीडियो को देखें और देखिए क्वेश्चंस जो है आप खुद सॉल्व करें और इसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करें, जरूरी नहीं है कि आप केवल एक ही क्वेश्चन लगाएं, इसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप लगाएं और अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाएंगे तो अधिक जो है इसके बारे में एक्सपीरियंस होगा कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप जो है उसे पूछ सकते हैं और आप जो है
उस चीज को बता सकते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, वो किस क्वेश्चन में आ रही है, तो उसे और अच्छे से सॉल्व करवाया जाएगा, क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवाया जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चंस जो हैं कई बार करें, जैसे कि अगले क्वेश्चंस में भी आपको काफी सहायता मिलेगी। तो आज का क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर देखें कि यहां पर दिया हुआ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स पर पावर 12, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स पर पावर 12 के विस्तार में, विस्तार में यक्ष से मुक्त पद क्या बताएं या ज्ञात करें, यक्ष से मुक्त पद देखिए, जब यक्ष से मुक्त पद ज्ञात करने की बात आती है तो एक्स पर पावर 0 होगा तो ही वह पद यक्ष से मुक्त पद हो पाएगा, ठीक है। जब एक्स पर पावर क्या होगा 0 होगा तो ही वह विस्तार में यक्ष का मुक्त पद मिल पाएगा, तभी तो मुक्त होगा, क्योंकि एक्स पर पावर अगर 1, 2, 3 आया तो वह एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स के रूप में रहेगा, लेकिन यक्ष से मुक्त, या इसी पर लिख देते हैं यक्ष यानी कि अचर पद ज्ञात करें, यानी कि उसमें यक्ष रहे ही नहीं, तो उस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। या अगर कुछ ऐसा हो कि यक्ष पर 11 का गुणांक ज्ञात करें, यक्ष पर 5 का गुणांक ज्ञात करें, तो भी इसी तरह से आप क्वेश्चन लगाएंगे, यानी कि कहने का मतलब कई क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि लगाना कैसे है। सोल्यूशन है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स पर पावर 12। मान कि आर प्लस वन पद एक्स से मुक्त पद है, ठीक है, हम मान लेंगे, क्योंकि हमारे पास तो ऐसा कोई पद नहीं है जो कि यहां पर बताया जाए करेक्टली कि मुक्त पद कौन सा होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, माना कि यक्स यानी कि आर प्लस मनवा पद, क्या आर प्लस मनवा पद यक्स से मुक्त पद होगा, यह हमने मान लिया, ठीक है। एक्स से मुक्त पद के लिए हमने आर प्लस मनवा पद मान लिया, ठीक। अब जो है यहां पर आर प्लस मनवा पद हम निकालेंगे, टी आर प्लस वन वह क्या होगा, एन सी आर, तो एन की जगह क्या दिया हुआ है 12 सी आर, जरा ध्यान दें आप 12 सी आर, और यहां पर जो है एक्स की जगह पर एक्स ही है तो 12 माइनस आर ये हो जाएगा, और यहां पर माइनस वन अपॉन एक्स पर पावर आर होगा, ठीक है, क्योंकि माइनस के साथ लेंगे क्योंकि यहां पर माइनस वन अपॉन एक्स, तो एक्स से मुक्त पद ये हमने मान लिया। अब जरा ध्यान दें कि अगर एक्स से मुक्त पद है तो सबसे पहली बात यहां पर 12 सी आर ये होगा एक्स पर पावर 12 माइनस आर, और यहां माइनस की वजह से ये हो जाएगा माइनस वन पर पावर आर, और एक्स पर पावर क्या हो जाएगा माइनस आर, ये होगा एक्स ऊपर ले जाइए तो एक्स पर पावर माइनस आर, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप वैसे भी लिख सकते हो वन अपॉन एक्स पर पावर आर, फिर ऊपर ले जाना एक्स पर पावर माइनस आर, वही चीज है, तो आप माइनस वन पर पावर आर ऐसे लिख लेंगे 12 सी आर एंड एक्स पर पावर 12 माइनस आर, एंड यहां पर ऊपर जाएगा तो एक्स पर पावर माइनस आर, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो माइनस वन पर पावर आर और यहां 12 सी आर और एक्स पर पावर क्या हो जाएगा 12 माइनस 2 आर, यानी कि आर माइनस आर, अगर आप चाहें तो यहां पर ऐड करते हुए दिखा दें कि माइनस आर और माइनस आर दोनों ऐड होगा तो माइनस आर माइनस आर माइनस 2 आर हो जाएगा, तो यहां पर माइनस वन पर पावर आर 12 सी आर और एक्स पर पावर
12 माइनस 2r। और चूंकि हमने क्या माना है कि r प्लस 1 और पर x से मुक्त होगा, x से मुक्त होगा सिंस क्या है r प्लस 1वां पद x से मुक्त पद है। अगर यह x से मुक्त पद है तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि यह x पर पावर 12 माइनस 2r जो है x पर पावर 0 के बराबर होना चाहिए, ये 0 आना चाहिए तभी तो मुक्त होगा। हमने बताया ना कि x पर पावर 0 ही x से मुक्त पद कहलाता है, ठीक है, यानी कि x वहां से खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहां पर 12 माइनस 2r किसके बराबर होगा, 0 के, यानी कि 12 इक्वल टू 2r, r इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 अपॉन 2 यानी 6। छठा पद r क्या है 6 है, यानी कि r प्लस 1वां यानी सातवां पद जो है इससे मुक्त होगा। r प्लस 1वां पद माने थे मींस सातवां पद मुक्त होगा। अब इसमें जो है इनकी वैल्यू निकाल लें, ठीक है, तो विस्तार में मुक्त पद बताएं, पद पूछा है तो इसका मतलब है t6 प्लस 1, आपको पद बताना है ना, तो t6 प्लस 1 यहां पर इसकी वैल्यू रख दें बस, और कुछ करना नहीं है। यहां पर जब वैल्यू रखेंगे यानी कि r प्लस 1 हुआ तो ये निकल चुका है ना, यहां पर जब वैल्यू रखेंगे तो माइनस 1 पर पावर क्या हो जाएगा 6 और 12c 6, और x पर पावर आप जानते ही हैं कि 12 माइनस 2 इंटू 6 करेंगे तो ये चूंकि मुक्त पद है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप लिख देते हैं तो भी ऑटोमेटिकली ये 0 ही आएगा x पर पावर और इसकी वैल्यू 1 होगी। माइनस 1 पर पावर 6 यानी कि 1 हो जाएगा इंटू 12c 6 यानी कि फैक्टोरियल 12 होगा, फैक्टोरियल 6 होगा और फैक्टोरियल 12 माइनस 6 होगा, ठीक है, फैक्टोरियल 12 होगा, फैक्टोरियल 6 होगा, फैक्टोरियल 12 माइनस 6 होगा। और यहां पर जो वैल्यू आएगी वह x पर पावर 12 माइनस 12 यानी कि 0 आ जाएगी, ठीक। अब देखिए फैक्टोरियल 12 की वैल्यू क्या आप लिखते हैं, 12 को निकालेंगे यानी कि 1 तो खत्म हो जाएगा, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 और फैक्टोरियल 6 लिखेंगे आप, इस फैक्टोरियल 6 को भी आप तोड़े 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये 12 माइनस 6 यानी कि यह फैक्टोरियल 6 होगा, फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कट जाएगा, ये x पर पावर 0 है, जो आप जानते हो कि x पर पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो यहां पर आप जो है इसे कैंसिल करना शुरू करो, 6 से आप जो है 12 को काटोगे 2 हो जाएगा, 5 से 10 को काटोगे आप 2 आएगा और 4 से 8 को काटोगे आप 2 आएगा, ठीक है, 3 से आप 9 को काट देना यानी कि 3 आएगा, 2 से इस 2 को कैंसिल कर दो, ठीक, जो बचा है उसे कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक, तो बचा क्या है 2 इंटू 11 इंटू 2 2 इंटू 11 इंटू 2 और 9 की जगह पर 3 इंटू 7 ये बचा, नीचे जो है केवल 1 रह गया, ठीक, तो 1 लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, x पर पावर 0 की वैल्यू भी 1 हो गई। तो आप चाहे तो एक स्टेप में इसे दर्शा देते हैं कि 1 नीचे भी 1 ही बचा है और x पर पावर 0 की वैल्यू 1 हो गई यानी कि यह मुक्त पद हो गया। अब जो है इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, मल्टीप्लीकेशन कैसे करें इसका, 2 2 4, आप देखें 2 बचा था और 3 बचा था, ठीक, जो कटा है और 11 बच गया और 7 बच गया, तो 2 2 4 और 4 3 12 आसान होगा, 4 3 12 और 12 7 12 7 84 ये आप लिख लें, ठीक है, एंड यहां पर 11 बच गया जिससे हमने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने का एक टेक्निक बहुत ही अच्छा हो जाता है कि अगर आप जो है इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं तो आसानी से, या 7 3 21 21 2 4
40 यानी कि 21 21 2 जा 42 42 2 जा 84 ये हो गया 11 आ गया 11 4 जा 44 एंड 11 8 जा 88 और 4 88 और 4 92 ठीक यानी कि 924 आपका मुफ्त पद आ गया ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 924 यहां पर मुक्त पद जो कि इसमें यक्ष नहीं है ठीक यहां निकाला गया ठीक। तो यहां पर उसी तरह से मान लीजिए अगर यही कहता कि यक्ष पर 11 का गुणांक बताएं तो आप क्या करते यहां जो आर प्लस वनवा पद माने हैं आप मानते माना कि आर प्लस वनवा पद यक्ष पर पावर 11 का गुणांक होगा या में 1x+11 आएगा r प्लस वन पद में x पावर 11 आएगा। तो x पर पावर 11 का कंपेयर करते बस यहां पर करते क्या जीरो जहां लिखे वहां 11 लिख लेते ठीक है और कंपेयर हो जाता। या x पर पावर 3 का गुणांक पूछ रहा है कह रहा है x पर पावर 3 का गुणांक बताएं तो x पर पावर 3 लिख लेते यहां पर और वही कंपेयर करते x पर पावर 3 के लिए और वो निकल जाता। तो इस तरह से यहाँ कई क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं आप इसे सॉल्व करेंगे आपको मेथड एकदम पता चल गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें कुछ टेक्निकल क्वेश्चन भी हैं जो हम लगवाने जा रहे हैं जिसे हम बायनोमियल थ्योरम के रूप में नहीं बल्कि यह कह सकते हैं कॉम्बिनेशन का ये क्वेश्चन है क्योंकि बायनोमियल थ्योरम में रखा गया है क्योंकि ये कॉम्बिनेशन इसमें आते रहते हैं संचय जो है कि क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ये 5th होगा और आई थिंक सो आज का 5th या 6th क्वेश्चन है ये ठीक। अब चलिए हम देखते हैं यदि n c 10 यहां लिखा हुआ है यदि n c 10 इक्वल टू n c 10 इक्वल टू n c 15 तो 27 c n का मान बताएं तो 27 cn का मान बताएं ठीक है। आपको क्या करना है 27 cn का मान बताना है। तो यहां पर देखें सॉल्यूशन क्या होगा यहां पर सॉल्यूशन nc 10 है nc 10 इक्वल टू NC 15 ठीक। किस तरह से आप इसे करेंगे ये आप देखें ठीक। हम ये जानते हैं कि NCR देखिए एक फार्मूला का लिखा है थे NCR इक्वल टू NCN माइनस R ये फार्मूला लिखा है थे। तो इसी फार्मूले से किसी एक पार्ट को बदल देना है ठीक। आप यहां पर ये कर सकते हैं NC 10 तो NC 10 को NCN माइनस 10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इस फार्मूले से आप NCR इक्वल टू NCN माइनस R जो होता है उसके अनुसार NC 10 को NCN माइनस 10 लिख सकते हैं और यह NC 15 के बराबर होगा। देयरफॉर दोनों का जो है यहां पर पावर यानी कि NC दोनों इक्वल हैं देयरफॉर हम n माइनस 10 इक्वल टू 15 लिख सकते हैं। n इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 प्लस 10 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा n इक्वल टू 25 और हमें क्या पूछा गया है कि 27 cn का मान निकालें। तो 27 cn का मान कैसे निकाल सकते हैं आप 27 cn और n की वैल्यू क्या है 27c 25 n की वैल्यू 25 आई है तो आप यहां से फैक्टोरियल 25 और फैक्टोरियल 27 माइनस
25। ये कॉम्बिनेशन का फार्मूला होता है, फैक्टोरियल एम, फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल माइनस आर। ठीक, तो आप यहां से 25 आया तो 27 इंटू 26 निकाल लें और ये क्या हो जाएगा 25 अपॉन फैक्टोरियल 25 और फैक्टोरियल 2। 25 से 25 काट दें, फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या हुआ 27 इंटू 26 अपॉन फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 इंटू 1। आप 2 से 26 को काट दें 13, 13 7 जा 91 एंड 13 2 जा 26 और 9, 26 और 9 क्या हो जाएगा 35। ठीक, तो यहां पर ये चीज आ जाएगा, आसानी से आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम होमवर्क में दे रहे हैं जो कि आप निकालेंगे। और क्वेश्चन है, यदि होमवर्क में यदि NC14 इक्वल टू NC16 तो NC 26 का मान ज्ञात करें। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, NC 27 भी कर सकते हो, मतलब N की वैल्यू जो है दोनों को ऐड करने के बाद वह N से बड़ा नहीं होना चाहिए 26। ठीक है, तो ये चीजें हैं, तो ये क्वेश्चन आप कीजिएगा। ठीक, और इसे कंटिन्यूअस जो पढ़ाया जा रहा है उसे देखिए और उसको जो है सॉल्व कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।